बातें कर रही है कि मैंने सुहागरात मनाया और ये वो कुछ इधर उधर की हल्की फुल्की फुहरपन वाला जो भी बातें आ रही है उसके पीछे कारण ये है कि वो व्यूअर्स को अधिक से अधिक बटवाना चाह रहे और आप तो भली भांति जानते हैं कि जितने लोग देखेंगे उतना पैसा उसका बनता है और यूट्यूब उसी का पैसा देता है आप ये क्यों नहीं चला रहे हैं कि पैसा गलत तरीके से पैसा मिला उसको किस चीज़ का उसको प्राइज मिला है ये सवाल है कि वो निगेटिव व्यूज की मेरी सुहागरात की बात कर कर पहाड़ पर हनीमून की बात कर कर ये यदि इस ये पैसा कमाने का तरीका है तो पैसा मुबारक हो उन लोगों को जो इस तरीके से पैसा कमाना लगातार वायरल हो, है, हो रहे हैं आरती को मिले दो करोड़ रुपए तो चलिए यही स, हम जानने का प्रयास करेंगे हमारे साथ शिवनंदन भारती सर है सर सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सर आरती को मिला दो करोड़ रुपए दो करोड़ रुपया मिला आप लोग जरा इस चीज़ को सोचिए कि दो करोड़ रुपया मैंने मैं तो नहीं मानता इस बात को कि दो करोड़ रुपया मिला लेकिन कुछ पेमेंट हुआ मिला है उसको जो आज वो ऑनलाइन आके बता रही थी लेकिन सवाल इस बात को देखिए कि समाज में ये गलत मैसेज देने का काम कर रही है समाज को, को आप गलत दिशाओं और मैं उसको आज के युवा पीढ़ी जो है सो गलत चीज़ से इंस्पायर हो जाएगा ये आप पैसा कमाना मैंने नहीं रखता पैसा किस रूप में आता है ये मैंने रखता है आप ये क्यों नहीं चला रहे हैं कि पैसा गलत तरीके से पैसा मिला उसको किस चीज़ का उसको प्राइज़ मिला है ये सवाल है कि वो निगेटिव व्यूज की मेरी सुहाग रात की बात कर कर पहाड़ पर हनीमून की बात कर कर ये यदि इस ये पैसा कमाने का तरीका है तो पैसा मुबारक हो उन लोगों को जो इस तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं सर कहीं ना कहीं शिवनंदन भारती सर जो है ये सर, सर आप देखे, अग्रेसिव देखे, हो रहे हैं ना अग्रेसिव की बात नहीं है आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये पैसा कमाना ये सब कोई खबर की ही बात नहीं है आप उनको लोग नफरत भरी निगाह से देखते हैं और वो भी उसको देख रहे पैसा चर्चा होना और चर्चा भी एक सकारात्मक होता है एक नकारात्मक होता है तो चर्चा में यदि कोई पैसा कमा रहा है और उसकी भी एक खबर बन रही है और उस पर यदि आप हमसे प्रतिक्रिया लेना चाह रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि इस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया की ज़रूरत है और आप लोगों से भी आग्रह है कि ये उनको पैसा कमाइए हो तो मुबारक हो कि आप पैसा कमाइए घर परिवार चलाइए वो अधर्म के मार्ग से यदि पैसा है तो धर्म के कार्य में लगाइए मंदिर बना दीजिए सर कहीं ऐसा तो, तो नहीं कि आरती आरती को पैसा मिला है तो आपकी विपक्ष के जो केस है क्योंकि उसी पे आपका केस लड़ रहे हैं तो इससे लिए आप आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज हो सकता है पैसा कमाना मैं आपको बहुत पहले इससे पहले वाले भी इंटरव्यू में मैंने कह दिया था कि वो जो जो कुछ बातें कर रही है कि मैंने सुहागरात मनाया और ये वो कुछ इधर उधर की हल्की फू फुहरपन वाला जो भी बातें आ रही है उसके पीछे कारण ये है कि वो व्यूअर्स को अधिक से अधिक बटोरना चाह रहे और आप तो भली भांति जानते हैं कि जितने लोग देखेंगे उतना पैसा उसका बनता है और यूट्यूब उसी का पैसा देता है तो वो जितने वो व्यूअर्स कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले थ्रिलिंग कैसे बना रहे उस पर लोगों का इंटरेस्ट है तो कुछ दिन कमाएगी चूँकि कुछ दिन तो चर्चा होगा और कुछ हो रहे होते धीरे धीरे दिखेगा सर तो क्या ये इस पैसे से केस में कुछ बदलाव होगा या केस में कोई फर्क पड़ेगा देखिए पैसा से केस को क्या लेना देना है सवाल ये है कि वो कमा रही है अच्छी बात है लेकिन मैं यही कहूँगा कि पैसा आप कमाना किस रूप में ये बहुत मायने रखता है अच्छे कार्य में आप अच्छा संस्कार संस्कारिक बात आप समाज को सिखाइए उसमें यदि आप पैसा कमाएंगे तो सभी लोग आपको धन्यवाद देंगे मुबारकबाद देंगे मैं तो इस पैसे लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए आज आरती ट्रेंड बनी हुई है बहुत सारे जो भी व्यूअर्स है आखिर व्यूअर्स मिल रहा है तभी तो पैसा कमा रही है इस और इसमें समाज कहीं ना कहीं समाज पे एक गलत संदेश भी जा सकता है देखिए ये इस बात से मेरा कहीं मैंने इनकार नहीं है कि व्यूअर्स है तभी पैसा बनता है इसमें ये सत्य है लोग गलत चीज़ भी देखते हैं और सही चीज़ भी देखते हैं तो जो लोगों का नज़रिया क्या है आपका क्या परिचय क्या दिया जा रहा है आप कौन है किस रूप में आपको जाना जाता है ये मायने रखता है आपका परिचय किस रूप में लोग दे रहा है समाज में किस रूप में आपको देख रहा है और उस चीज को भी यदि लोग नहीं समझ रहा है तो फिर मैं, मेरा उस पर कहना उचित नहीं होगा फिर तो आरती का सर चार बयान बदला छः रूप बदल चुका है अभी तक ये सातवां रूप है जो आज पैसा मिला है तो इससे तो कोई केस में सर असर पड़ेगा देखिए पैसा आपको ये पैसा का सर मैं बात नहीं कर रहा जो ये तरीके से समय समय पे बदलते जा रही है शादी भी कर ली सर शादी की तो उस समय भी एक रूप बदला समाज को धीरे धीरे लोगों को अवगत होगा समाज को लगेगा कि गलत तरीके से ये कमा रही है तो समाज को इसमें तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए कि भाई ये गलत हो रहा है उसको सामाजिक स्तर से लोग समझाएं कि गलत हो रहा है लेकिन अब नहीं हो रहा है तो समाज का क्या कहा जा सकता है रही बात उसके निर्दोष भाई पिता और रिश्तेदार जेल में है हमारा दायित्व यह है कि उन लोगों को बेल यदि हम जितना जल्दी करा सकें वो हमारे लिए सफलता होगी उन पर हम लगे हुए हैं बेल कराने में इससे ज़्यादा हम अपनी प्रतिक्रिया इस टॉपिक पर मैं नहीं देना उचित समझता हूँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका प्रतिक्रिया जानकर जो दर्शक है उनके मन में भी सवाल चल रहा होगा उनका भी जो प्रश्न था उनका आंसर मिल गया लेकिन आज सवाल समाज में यही खड़ा हो रहा है कि एक ऐसी लड़की जो कि इतना वायरल हुई और लगातार अपना स्टेटमेंट बदलती है उसके बाद अपना रूप बदलती है और आज जो है फिर से एक बार चर्चा का विषय बनी है बाकी कैसा लगा आपको मेरा प्रयास कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा जय हिंद